राजस्थान में संकट खुद गहलोत सरकार पर नहीं बल्कि संकट बिजली पर भी है, जिससे राजस्थान वासी त्रस्त है। राजस्थान में इस वक्त उपचुनाव का माहौल है, लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच बिजली संकट जाता ही नहीं। राजस्थान इस वक्त बिजली संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि थर्मल प्लांट्स में कोयले की कमी है, कोयला खत्म होने से आपूर्ति 33% तक की कमी आई है, वहीं 70% बिजली कोयले से पैदा होती है। ऐसे में राजस्थान सरकार के सामने बिजली संकट पैदा हो गया है। राजस्थान में मौसम की विदाई के बाद एक बार फिर लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में बिजली की मांग में तेजी देखी गई है। 3500 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही मांग 12500 मेगावाट तक पहुंच गई है। ऐसे में प्रदेश में चल रही 20 करोड़ यूनिट की खपत बढ़ते बढ़ते 24 करोड़ प्रतिदिन हो गई है। ऐसे में राजस्थान वासी बिजली संकट से जूझ रहे हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान को कोयले की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से ये संकट पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि कोल इंडिया के द्वारा कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही, ऐसे में प्रदेश में बिजली संकट अब बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कस्बों शहरों में अब बिजली संकट पैदा होने लगे हैं। वहीं राजस्थान में बिजली संकट पर वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राजे ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और अपने शासनकाल का हवाले देते हुए गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। राजे ने बिजली की उपलब्धता कराने को लेकर सरकार को पूरी तरह फेलियर बताया और राजे का कहना है कि हमारी सरकार के समय लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही थी, लेकिन आज 24 मिनट भी बिजली नहीं मिल रही। राजे ने बयान जारी कर कहा कि वर्तमान सरकार में आम लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। हालत यह है कि प्रदेश के कई बिजली घर बंद हो चुके हैं और कई बंद होने के कगार पर है। इससे उद्योग धंधे तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही खेती से जुड़े किसानों पर भी इसका साफ असर देखा जा सकता है। राज्य ने प्रदेश में गहराए बिजली संकट का कारण कोयले की कमी के साथ ही कोयले का समय पर भुगतान नहीं होना बताया है। राज्य का कहना है कि यदि सरकार कोयले का भुगतान समय पर करती तो आज ये परेशानी देखने को नहीं मिलती। खैर, इस बिजली संकट से राजस्थान सरकार कैसे निजात दिलाती है ये तो देखने वाली बात है। अगर कोयले की कमी ऐसे ही रही तो क्या पूरा राजस्थान अंधेरे में छा जाएगा? सवाल बड़ा है।